लोरमी के जिला सहकारी बैंक में हुए लाखों के फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिचौलियों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 ग्रामीणों की पासबुक और 3 लोन बुक जब्त की। पूरा मामला लोरमी के जिला सहकारी बैंक में हुए 35 लाख रुपयों के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। लोरमी के जिला सहकारी बैंक में 14 बैगा आदिवासियों के नाम से धान खरीदी की रकम, बोनस और केसीसी लोन फर्जी तरीके से निकाल लिया गया था। कार्रवाई करते हुए लोरमी पुलिस ने बिचौली अनिल पटेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक संतोष चौहान कौशिक के रिपोर्ट पर करीब 4-5 बिचौलिए एवं शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायत किया गया है, जिस पर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया अपराध। और इसमें एक आरोपी अनिल पटेल को बिलासपुर में जो छिप गया था उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 7 ग्रामीणों का पासबुक एवं ऋण पुस्तिका बरामद किया, रिमांड में भेजा गया।